शिवभक्त गीता सूत्र 7। एको दृष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्रायो असि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो दृष्टारं पश्यसि इतरम्। शब्दार्थ, एकाएक दृष्टा दृष्टा असि हो सर्वस्य सबका, मुक्त प्रायो असि सर्वदा, सदैव से मुक्त है, अयमेव यही ही जो ते तेरा बंधा बंधन, दृष्टारं दृष्टा को पश्यसि देखते हो, इतरम अन्य को। भावार्थ, सबका दृष्टा एक ही है, तू सब प्रकार से सदैव मुक्त है। तेरे बंधन का यही कारण है कि तू वह दृष्टा होते हुए भी किसी अन्य को, अपने से दूसरे को दृष्टा मानता है। व्याख्या, महर्षि अष्टावक्र ने इससे पहले भी दृष्टा भाव की बात की है, अब वे इसको स्पष्ट करते हैं कि क्या कारण है कि जो तू सदा से ही मुक्त है, स्वयं एकमात्र दृष्टा है, बंधन में पड़ा हुआ है, लेकिन तेरे इस बंधन का कारण केवल इतना है कि तू स्वयं से अलग किसी अन्य को दृष्टा मानता है। जब दूसरे किसी को दृष्टा मानता है तो स्वाभाविक है कि अन्य को कर्ता माने, और जब कर्ता मान लिया तो भोगने वाला भी स्वयं ही बन गया। अपने आप को कर्ता मानते ही सुख दुख जीवन मरण हानि लाभ के दुष्चक्र में फंस गया। संघर्ष की प्रकृति सापेक्ष है, जब सापेक्ष में उलझ गया तो परिणाम भी सापेक्ष ही होगा। यहाँ स्वयं के अतिरिक्त दृष्टा के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को भी निरर्थक कर दिया है। ईश्वर भी जीव को लेकर ही है, ईश्वर कारण है, ईश्वर कर्म का परिणाम देने वाला है, लेकिन इसके लिए जीव की उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन जब बंधन ही नहीं तो जीव कहाँ, और जब जीव नहीं तो ईश्वर की क्या आवश्यकता। इसीलिए अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि तू शुद्ध आत्मा है, और वही आत्मा सबका दृष्टा परमात्मा है। इससे अलग किसी अन्य आकाश में बैठे हुए परमात्मा ईश्वर को दृष्टा मानना ही तेरा बंधन है। अज्ञानी व्यक्ति ही आत्मा से अलग ईश्वर को दृष्टा कर्म का फल प्रदान करने वाला एवं कर्ता मानते हैं, जबकि ज्ञानी नहीं मानते। इसलिए तू स्वयं को दृष्टा जान, समझ और अनुभव करने वाले के लिए मोक्ष सदैव सही है। मोक्ष मुक्ति तो उसका स्वभाव है।